नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र सिंह है और आज मैं टूथेक की कुछ यूजफुल होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में चर्चा करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेडिसिन स्टेफिसैग्रिया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्टेफिसैग्रिया इज ब्लैकनिंग ऑफ टीथ, मतलब इसमें दांत जिसके काले हो जाते हैं, काला पड़ जाता है दांतों में, तो स्टेफिसैग्रिया इज ए गुड मेडिसिन फॉर दैट। स्टेफिसैग्रिया में जो पेन है दैट इज अकरिंग व्हेन फूड और ड्रिंक टचेज द टीथ बट नॉट व्हेन बाइटिंग एंड चीविंग, मीन्स जैसे ही कुछ भी खाना या पीना उसके दांत में टच होता है उसको पेन होता है, लेकिन जब उसको वो बाइट करता है, चीविंग करता है, तब वो पेन उसको नहीं होता है। स्टेफिसैग्रिया में पेन इज स्पेशली अकरिंग एट द टाइम ऑफ मेंसेस। तो इन स्टेफिसैग्रिया पेन इन अकरिंग ड्यूरिंग मेंसेस, ब्लैकनिंग ऑफ टीथ होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्टेफिसैग्रिया इज दैट पेन ऑफ टीथ अकरिंग इन साउंड एज वेल एज इन डिकेड टीथ, मतलब साउंड टीथ में भी दर्द होता है। साउंड टीथ का मतलब ऐसे टीथ जिसमें कैरीज नहीं है, जिसमें सड़न नहीं है, उसमें भी इसको पेन होता है, और ऐसे भी दांतों में दर्द होता है जिनमें कि कैरीज है। नाउ द मेडिसिन सिफलाइनम। इन सिफलाइनम टीथ डिके बिगिंस एट एजेज ऑफ गम, मतलब एजेज ऑफ गम पे टीथ डिके स्टार्ट होना होता है एंड टीथ ब्रेक ऑफ, और दांत वहाँ से डिके होकर टूट कर गिर जाते हैं। एंड सिफलाइनम में जो टीथ होता है ये येलो कलरेशन हो जाता है, जैसे स्टेफिसैग्रिया में अभी हमने देखा टीथ ब्लैक हो जाता है। थूजा एंड सिफलाइनम दो मेडिसिन हैं जिसमें कि दांत का रंग येलोइश हो जाता है। सिफलाइनम में के जो दांत हैं इनमें सीरेटेड होता है, सीरेटेड मतलब आरी जैसा उसमें आपको दिखाई देगा, एंड टीथ बिकम ड्वार्फ्ड आल्सो। दिस इज द सिंगल मेडिसिन गिवन इन केंट रिपर्टी इन विच टीथ इज ड्वार्फ्ड। नाउ वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द मेडिसिन मिजेरियम। इन मिजेरियम द रूट ऑफ टीथ बिगिन्स टू डीके एंड द क्राउन रिमेन इंटैक्ट। देर आर टू इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इन विच रूट डीके होता है और उनका क्राउन इंटैक्ट बना रहता है। वन इज थूजा ऑक्सीडेंटलिस एंड अदर इज मिजेरियम। जस्ट इसका रिवर्स जो होता है, मीन्स क्राउन डिके होता है एंड रूट इंटैक्ट रहता है, तो हमें तीन मेडिसिन याद रखना है। वन इज सिफलाइनम, अनदर इज मर्कसॉल एंड थर्ड वन इज स्टेफिसैग्रिया। तो देर आर थ्री मेडिसिन इन विच क्राउन डिके एंड रूट रिमेन इंटैक्ट, सिफलाइनम, मर्कसॉल एंड स्टेफिसैग्रिया। नाउ मेडिसिन कैमोमिला। इन कैमोमिला पेन इज अकरिंग व्हेन एनीथिंग वार्म इज टेकन इनटू द माउथ, कुछ भी अगर गर्म चीज़ वो खाता या पीता है, से फॉर एग्जांपल पेशेंट ने गर्म खाना खा लिया, पेशेंट ने गर्म चाय पी लिया, गर्म सूप ले लिया, देन पेशेंट को दांत में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। देन टूथेक फ्रॉम कॉफ़ी ड्रिंकिंग, अगर किसी ने कॉफ़ी पी लिया और उसको दांत दर्द होता है देन मेडिसिन इज कैमोमिला। अच्छा, किसी ने अगर चाय पी लिया है और उसको पेन होता है देन मेडिसिन इज थूजा, मीन्स टूथेक फ्रॉम टी ड्रिंकिंग मेडिसिन थूजा, टूथेक फ्रॉम कॉफ़ी ड्रिंकिंग मेडिसिन इज कैमोमिला। टूथेक ड्यूरिंग मेंसेस मेडिसिन इज स्टेफिसैग्रिया, टूथेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेडिसिन इज मैग्नीशियम कार, टूथेक ड्यूरिंग लैक्टेशन और द यू मे से दैट टूथेक व्हेन द नर्सिंग द चाइल्ड देन मेडिसिन इज चाइना। सो फॉर द डिफरेंट स्टेज वी हैव डिफरेंट मेडिसिन ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन। नाउ द टूथेक ऑफ मर्कसॉल। द पेन ऑफ मर्कसॉल इज पल्सेटिंग टाइप,
टीयरिंग टाइप ऑफ पेन होता है एंड इट इज़ रेडिएटिंग टूवर्ड्स द ईयर, मतलब दांत जो उसका दर्द होता है वो कान की तरफ जाता है एंड द पेन इज एग्रवेटेड एट नाइट विथ प्रोफ्यूज सलाइवेशन, सलाइवेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है मर्कसॉल के पेशेंट को. एंड वन इम्पॉर्टेंट मॉडेलिटी ऑफ मर्कसॉल इज दैट टूथेक इज एम्युलेटेड बाई रबिंग अ चीक लाइक दिस. वेन एवर पेशेंट इज रबिंग दिस टाइप ऑफ चीक द पेशेंट इज गेट एम्युलेशन. तो टूथेक इज एम्युलेशन बाई रबिंग द चीक देन मेडिसिन इज मर्कसॉल. वन मेडिसिन इज देयर इन विच टूथेक इज एम्युलेटेड बाई ड्रॉइंग द एयर इन दिस टाइप एंड पेशेंट गेट एम्युलेशन इन द पेन ऑफ टीथ. देन द मेडिसिन इज मिजेरियम नाउ रेटेनिया. इन रेटेनिया टेरिबल टूथेक ड्यूरिंग अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड टीथ फील इलोंगेटेड. इसके जो दांत होते हैं ये थोड़ा सा लंबा लंबा फील करता है, ऐसा होता है कि टीथ हैज बिकम इलोंगेटेड एंड टीथ पेन और टूथेक इज एग्रेवेटेड व्हेन पेशेंट इज लाइंग डाउन. जैसे ही पेशेंट लेटता है उसका दांत दर्द एकदम से बढ़ जाता है, सीवियरिटी हो जाती है. इवन सो मच सो दैट इच पेशेंट इज कंपेल्ड टू राइज एंड वॉक अबाउट. पेशेंट को उठना ही पड़ता है और उठ के इधर उधर टहलता है तब उसको थोड़ा बहुत आराम होता है. तो दिस इज द सिम्टम ऑफ रेटिनिया दैट टूथेक इज एग्रेवेटेड बाई लाइंग डाउन, पेशेंट इज कंपेल्ड टू राइज एंड वॉक अबाउट. एंड नाउ द मेडिसिन प्लेंटेगो. प्लेंटेगो इज वेरी गुड रेमेडी फॉर द टूथेक एंड टूथेक इज एसोसिएटेड विद प्रोफ्यूज सलाइवेशन. टूथेक इज एसोसिएटेड विद स्वेलिंग इन द रीजन ऑफ चीक्स एंड प्लेंटेगो मदर टिंचर कैन बी अप्लाइड लोकली फॉर द इंस्टेंट रिलीफ ऑफ टूथेक. अगर किसी को बहुत तेज दांत दर्द हो रहा है और उसे तुरंत रिलीफ की आवश्यकता है तो प्लेंटेगो मदर टिंचर को लोकली अप्लाई किया जा सकता है. इसे थोड़ा सा कॉटन में रखते हैं, प्लेंटेगो मदर टिंचर को थोड़ा सा कॉटन में रखेंगे और उसको डायरेक्टली उस दांत पे रख देना है जहाँ पर कि दर्द हो रहा है एंड इट विल गिव इंस्टेंट रिलीफ टू द पेशेंट. एलमेंट फ्रॉम कटिंग विजडम टीथ. विजडम टीथ जिसे एकल दाढ़ भी कहते हैं, जब वो निकलता है देन अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे उसको फीवर भी आ सकता है, उसको दांत में दर्द भी होता है, डेफनेस टेम्परेरी डेफनेस का कंडीशन भी हो सकता है, इन दैट कंडीशन यू हैव टू थिंक अबाउट टू मेडिसिन. वन इज मैकार्प एंड अदर इज चेरियंथस, मतलब टूथेक फ्रॉम कटिंग द विजडम टीथ, मैग्नीशियम कार्प एंड चेरियंथस. फ्रेजेरिया वेस्का. फ्रेजेरिया वेस्का इज ए वेरी गुड रेमेडी टू रिमूव द टार्टर फ्रॉम द टीथ. व्हाट इज टार्टर? टार्टर इज बेसिकली बैक्टीरिया विच इज कंबाइंड विद प्रोटीन एंड बाई प्रोडक्ट ऑफ फूड टूथेक आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ एब्सेस टीथ, मतलब सड़े हुए दांत को या एब्सेस लगे हुए टीथ को अगर रिमूव कर दिया जाए और उसके बाद में जो दर्द वहाँ पर बना रहता है देन उसके लिए मेडिसिन इज द गन पाउडर. ब्लीडिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ. वी हैव टू रिमेंबर थ्री इंपॉर्टेंट मेडिसिन, वन ट्रिलियम पेंडुलम, बोविस्टा एंड हेमामिलिस. ब्लीडिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ. अगर दांत दर्द में आराम होता है ठंडा पानी रखने से, मुँह में किसी ने ठंडा पानी ले लिया और उससे दांत दर्द में आराम होता है देन देर आर सेवरल मेडिसिन, बिस्मत, ब्रायनिया, कैमोमिला, पल्सेटिला, बट बाई होल्डिंग द वार्म वाटर या बाई एम्युलेशन बाई वार्म थिंग्स ओनली टू मेडिसिन आर देयर. वन इज मैकफॉस एंड अदर इज चाइना, इन विच पेन इज एम्युलेटेड बाई होल्डिंग वार्म वाटर इन द माउथ. नाउ कन्वल्जन ड्यूरिंग टीथिंग विथ फीवर, मेडिसिन इज बेलाडोना. अगर बच्चे को टीथिंग के समय में कन्वल्जन हो रहा हो और उसके साथ बुखार नहीं है देन मेडिसिन इज मैकफॉस.
मतलब अगर बच्चे को झटके आ रहे हैं और उसके साथ में उसको फीवर है, देन मेडिसिन बेलाडोना, और झटके आ रहे हैं टीथिंग के समय, उसके दांत निकलते समय, और उसको फीवर नहीं है, देन मेडिसिन इज मैकफॉस। टूथेक अनबियरेबल व्हेन एनीथिंग वार्म और कोल्ड टचेज द टीथ। जब भी कोई, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो, वो अगर दांतों पे जैसे ही टच होता है तो टूथेक अनबियरेबल होता है, देन द मेडिसिन इज मैग्नीशियम यूड। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग डेंटिशन, डेंटिशन के समय बच्चे अगर बहुत ज़्यादा दांत कटकटाते हैं, देन द मेडिसिन इज सिकुटा विरोसा। नाउ फॉर द रैपिड कैरीज ऑफ टीथ, मतलब ऐसे पेशेंट में जहाँ पर दांतों में बहुत जल्दी से सड़न हो रही हो, अभी सड़न नहीं है, 1 महीने 2 महीने बाद उसके 5 6 7 8 दांतों पे कैरीज हो गया, या दांतों पे कैरीज बहुत तेज़ी से हो रहा है, रैपिड कैरीज ऑफ टीथ, देन मेडिसिन इज फ्लोरिक एसिड। प्रिवेंट कैरीज ऑफ टीथ, द मेडिसिन इज कोका। एंड टीथ बिगेन टू डीके एज सून एज दे अपियर, जैसे ही दांत निकलते हैं वैसे ही दांतों में सड़न लग जाती है, देन विच मेडिसिन यू हैव टू रिमेंबर, द मेडिसिन इज क्रियोजोड। टीथ बिगेन टू डीके एज सून एज दे अपियर। इरेजिस्टेबल डिजायर टू बाइट द टीथ और गम टुगेदर, मतलब पेशेंट को एक इच्छा होगी दांतों की, ऐसे इरेजिस्टेबल डिजायर टू बाइट द टीथ और गम टुगेदर, देन मेडिसिन इज पोडोफाइलम एंड फाइटोलैका। नो स्पाइजिलिया। टूथेक फ्रॉम टोबैको स्मोकिंग, अगर कोई टोबैको स्मोकिंग करता है और उसको टूथेक हो गया है, देन मेडिसिन इज स्पाइजिलिया। वन ऑफ द पिक्यूलर मॉडलिटी ऑफ स्पाइजिलिया इज, इसका जो दांत दर्द होता है वो लेटने से आराम होता है और कुछ भी खाने पीने से आराम होता है। द सेम टाइप ऑफ मॉडलिटी इज प्रेजेंट इन प्लेंटेगो ऑल्सो, कि बाई ईटिंग पेशेंट का दांत दर्द आराम हो जाता है, और इसका जो दांत दर्द होता है वो उसके बारे में सोचने से उसको स्टार्ट हो जाता है, यानी टूथेक स्टार्ट या रिटर्न व्हेन थिंकिंग अबाउट द पेन। जैसे ही वो अपने दांत दर्द के बारे में सोचना शुरू करता है, उसको टूथेक फिर से स्टार्ट हो जाता है। नाउ वी हैव लर्न हियर दैट टूथेक फ्रॉम टोबैको स्मोकिंग स्पाइजीलिया, टूथेक फ्रॉम टी ड्रिंकिंग मेडिसिन इज थूजा, एंड टूथेक फ्रॉम कॉफ़ी ड्रिंकिंग द मेडिसिन इज कैमोमिला। टूथेक विद स्वेलिंग ऑफ द जॉ एंड अब्सेस ऑफ गम, द मेडिसिन इज हेक्लालावा। टूथेक फ्रॉम वॉशिंग द क्लॉथ्स, मतलब अगर किसी ने बहुत ज़्यादा कपड़े धुल लिए, पानी पे रह के बहुत ज़्यादा काम कर लिया, और उसके बाद अगर उसको टूथेक होता है, देन मेडिसिन इज फास्फोरस। टूथेक इन टीथ फिलिंग आफ्टर, मतलब ऐसे दांतों में जिसमें हमने फिलिंग कराया है, उसके बाद अगर उसमें दांत दर्द बना हुआ है, देन यू हैव टू रिमेम्बर फ्यू मेडिसिन, आर्निका, नक्स वोमिका, मर्क एंड सीपिया।